कैसे हो सर बच्चे हो? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स है, ध्यान से देखेंगे तो हमारा बेसिक्स मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा कवर हो जाएगा। हमारा मैथ, जिसका मैथ अच्छा हो जाए उसका आई क्यू अच्छा हो जाता है, और जिसका आई क्यू अच्छा हो जाए वो सब कुछ फिर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए मेरी छोटी छोटी वीडियोज आती हैं, उनको देखें, ध्यान से देखें। यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो उसके साथ हम रीजनिंग, क्योंकि लॉजिक से ही मैथमेटिक्स चलता है, और जिसका लॉजिक, जिस बच्चे को लॉजिक लगाना आ गया तो वो माइंड उसका शार्प हो गया, और माइंड शार्प हो गया तो वो हर चीज को अचीव कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, यदि हम किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, बहुत इजी टॉपिक है, बट इसमें हमें ध्यान रखना है यदि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, यदि हमारी जो स्पीड है किलोमीटर पर हावर में है तो हमारा टाइम भी हावर्स में होना चाहिए। यदि हमारी जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में है तो हमारा टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्पीड की, बात करते हैं हम स्पीड की, तो हमें याद रखना और डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस बाय में टाइम, और यदि हमें टाइम याद करना आ जाए तो हमारा होगा डिस्टेंस बाय में स्पीड, बाय में स्पीड नॉर्मल पार्ट है बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, यदि हमारा टाइम स्पीड किलोमीटर पर हावर में है, किलोमीटर पर हावर्स में है, और उसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। यदि हमारे पास स्पीड है जो किलोमीटर पर हावर में है, और उसको हमने, यदि उसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर हावर जो स्पीड हमारी गिवन है उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, तो वो हमारी मीटर पर सेकेंड बन जाए, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और यदि हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड है और उसको कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर हावर को मल्टीप्लाई बाय 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर बिल्कुल नॉर्मल। फिर आता है उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसर रहेगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में हमें याद रखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो वो हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। यदि हमारे इसके बाद हम आगे देखते हैं, मैं कहता हूं कि यहां से ए से बी तक, ए से कोई बी आपका एक्स किलोमीटर पर आवर से जाता है, और फिर बी से ए वो y किलोमीटर पर हावर से वापस आता है। मतलब कहने का मतलब है यदि आपको दो सेम डिस्टेंस में बट स्पीड अलग अलग दे रखी है, और वहां से आपको एवरेज स्पीड पूछता है, पूछा जाता है उसे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा 2 into x by x plus y, तो वो हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड्स, बिल्कुल नॉर्मल पार्ट्स है। फिर हमारे पास इसी एवरेज में कुछ ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यदि कई बार आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, यदि कोई ट्रेन है उसकी स्पीड हमें गिवन मिलेगी, और वो किसी इंस्टेंस किसी पोल को या किसी इंस्टेंस व्यक्ति को पार करने में टी टाइम लेती है, जबकि उसको जो आपकी स्पीड है, स्पीड मान लीजिए एक्स मीटर पर सेकंड गिवन है, और यहाँ पे टाइम आपको वाई सेकंड गिवन है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है, वही डिस्टेंस ऑन स्पीड मल्टीप्लाई में आपका टाइम, तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी।
कई दफा क्या होगा, आपको लेंथ ऑफ ट्रेन भी गिवन होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन मान लेता हूं मैं एक्स, रेलवे स्टेशन इसको एल एल वन मान लिया, इसको एल टू मान लेते हैं। एक एल वन ट्रेन एल टू लेंथ के स्टेशन को टी टाइम में पार करती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ज्ञात करनी आ जाए, तो हमें याद एल वन प्लस में एल टू बाय में टी फोर टाइम, बट कंडीशंस वही रहेगी। यदि यदि आपका ये मीटर पर सेकंड में है, तो आपकी टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। यदि ये किलोमीटर पर हावर में है, किलोमीटर पर, तो ये भी हावर्स में होना चाहिए। कई दफा यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल से पार्ट से, कोई व्यक्ति एक सेम डिस्टेंस में, यदि कोई व्यक्ति एक्स किलोमीटर पर हावर से यहाँ अपने घर से चला और अपने ऑफिस में जा रहा है, यदि वो एक्स किलोमीटर पर हावर से जाता है, या जो भी आपको यूनिट यूनिट बार बार चेंज होगी, या मीटर पर सेकंड से जाता है, तो वो व्यक्ति टी वन टाइम लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। यदि वो वाई किलोमीटर पर हावर से जाता है, तो वो टी टू टाइम बिफोर आ जाता है, बिफोर आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको याद रखना है वाई की वैल्यू ग्रेटर हो एक्स, तो पहला काम आपने याद रखना है लेट डिस्टेंस। वो आपसे पूछे क्या डिस्टेंस निकालना, निकालना भी डिस्टेंस ही पूछेगा। मान लो डिस्टेंस हमने ए ली, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा हो वो टाइम क्या लेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम समय लेगी, तो जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा। तो ए बाई एक्स माइनस कर देंगे हम ए बाई ओ वाई। अब यहां पे देखो ये आपका टी, वैसे तो डिफरेंस डायरेक्ट बता दूंगा कि टी माइनस जो डिफरेंस है, परंतु बिफोर पहले आ गया वो भी तो माइनस का हो गया, माइनस। तो कहने का मतलब टी माइनस माइनस प्लस टी टू, तो समय होगा आपका टी वन प्लस टी टू बाई, वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये आपकी सेम यूनिट है तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके मुताबिक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन बड़ा ईजी वे में समझ आ जाएगा कि ये चीज क्या है। सिर्फ आपने याद रखना है यहाँ पे लेट हो रहा था, यहाँ पे बिफोर है, ठीक है। तो आपने कोई भी एक डिस्टेंस लेट करना है जिसकी स्पीड कम थी, जिसकी स्पीड ज्यादा थी, उसमें से जो माइनस करके दोनों को आप प्लस करके, यदि यहाँ पे मिनट्स में है तो 60 से डिवाइड करके हावर्स कर लें, कैलकुलेशन कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। कई बार एक बच्चा नदी में नहाने चला गया, यदि वो नदी की दिशा में जाता है, इन डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो जो बच्चे की तैरने गया था उसकी स्पीड प्लस में जो पानी बह रहा है करंट स्ट्रीम उसकी स्पीड, तो दोनों की मैंने बोला स्पीड्स ऑफ मैन एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड्स ऑफ वाटर इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम तो वाई किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल ऑल डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम होगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर पे। और यदि मैं बोलूं ओवरऑल अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम का मतलब है कि बच्चा उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में बच्चा तैर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसने जो बच्चे की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करके जब वो आगे बढ़ेगा तो वो उसकी स्पीड मानी जाएगी। तो ये क्वेश्चंस भी काफी अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। अब मैं सिर्फ आपको नॉर्मल से एग्जांपल्स बताऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस, उनके बेस पे हम क्वेश्चंस कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एरोप्लेन फ्लाइज 20 किलोमीटर इन 2 आवर 50 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड। देखिए भाई, हमने नॉर्मल बात की स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम,
इसने वहां डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे पास है 1836 किलोमीटर पर हावर, परंतु देखो इसने टाइम क्या दे दिया, 2 hour 50 minutes, जो मिनट है मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हावर्स हो जाएंगे, 0 से 0, 5, 6, 2 जा 12, 12 और 5, 17 by 6 hours, 17 by 6 hours, ये हमारे पास टाइम आ गया 17 by 6 hours, तो मैंने क्या किया 17 by मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि डिस्टेंस बाय में टाइम क्या हो गया हमारा स्पीड, तो 6 6 6 36, 3 carry 6 3 18 और 3 21, 2 carry 6 8 48 और 2 50 का 0 हमारे पास 5 6 6 और 5 11, तो हमें 17 से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल का पार्ट्स है बिल्कुल। देखिए हर बच्चे को ऐसे ही, मैं कोई लर्न नहीं कर रहा हूँ या लिखा और आंसर बेटी, बिल्कुल पूरा डिवाइड करके देखो पूरा पूरा, हम ओवरऑल 6 पे कर रहे थे, 6 पे 17 6 102 102, तो कितना आ गया 81, ओके 17 पे 6 पे 17 4 जा 68, 11 में से 8 3, 7 में 6 1, तो यहाँ पे आ गया ये, ओके 17 8 जा, हो गया ना पूरा, इसलिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके दिखा कि पूरा पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा, पूरा पूरा कंफर्म, दिस डिवाइड बाय 648 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक कार ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस, कार की स्पीड हमें 48 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, हाउ फार टू बिल इन 55 मिनट ट्रैवल, मीनिंग टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो हमें टाइम और स्पीड है तो हमें हमारे पास पता है हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर का स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, बट वही बात आपको जो स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर, परंतु टाइम दे रखा है 55 मिनट, मिनट के हमने क्या कर दिया 55 जो हमारे पास मिनट थी उसको 60 से डिवाइड करते ही ये क्या हो गया हमारे पास आवर्स, तो क्या हो गए 55 मिनट को यदि हम 60 से डिवाइड करते हैं तो वो आवर्स हो जाते हैं, तो पहले हमने ये किया 12 की टेबल, 12 की टेबल में दिस 5 पे देखा, 5 बजा 5 बजा 11 4 जा 44 क्या आ गया हमारा किलोमीटर, 44 हमारा किलोमीटर, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3, स्वाति इज गोइंग ऑन ए मोपेड एट द स्पीड ऑफ दिस, स्पीड पहला बस हमें तो टारगेट पॉइंट्स पे स्पीड हमें दे रखी है 18, स्पीड हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद हाउ मच टाइम क्या फाइंड करना है टाइम, सी कवर द दिस अन मीटर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास है 480 मीटर, क्या आ गया मीटर, या तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर दें, मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और यदि हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हमारे क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें निकालना क्या था टाइम, टाइम हमारा होता डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास 480 मीटर था बाय में स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45, यहाँ पे हमारे पास 3 और ये 0 30 होगा, 5 6 जा 30, तो 96 मीटर क्या होगा सेकेंड ओनली, और 96 सेकेंड आ गया, परंतु हमारे पास तो यहाँ
अलग अलग है सेकंड में, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो 60 बन जा 60 मिनट कितना पेंडिंग रहा, 36 सेकंड, तो 1 मिनट 36 सेकंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैन कवर द डिस्टेंस 160 मीटर इन 24 सेकंड, फाइंड द स्पीड। बिल्कुल देखो ये भी मीटर में दिया है, यदि मैं कहूं डिस्टेंस तो आपका 160 मीटर है, और यदि फिर कहता हूं कि 24 सेकंड, टाइम हमारे पास 24 सेकंड है और हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारे पास 160 था बाय में 24, तो 4 जा 16, फिर 2 पे 2, 3 जा 6, 2 पे 70, 70 बाय 3, 3 6 जा, ओके पूछा क्या इसने, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, पहली बार ये हमारे पास आ गया 20 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, परंतु इसको हमने क्या बनाना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर, तो मल्टीप्लाई 18 बाय 5, 5 4 जा 20, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24 किलोमीटर पर हावर, बस क्योंकि डायरेक्ट था, डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ये हमारा 24। हम क्वेश्चन नंबर 30, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, हमें दे दिया स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे दिया 4 आवर्स, 4 5 जा 20, 2 4 5 जा 20 और 2 22 किलोमीटर, तो दिस इज द आंसर, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए कार 2 आवर्स टू रीच द डिस्टेंस एट ट्रैवलिंग ऑन 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, देखो यदि कोई कोई व्यक्ति 2 आवर्स में कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस कवर करती है, वही कार 80 किलोमीटर पर आवर से जाती तो कितना टाइम कवर करती, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो हमारे पास 2 आवर्स में और 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कहने का मतलब है 120 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस पता चल गया 120 किलोमीटर को, कहता हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हाइल ट्रेवलिंग इन 80 किलोमीटर पर आवर, यदि हमें टाइम निकालना है वही कार 120 किलोमीटर को यदि 80 किलोमीटर पर आवर से जाती तो कितना टाइम लगती, 0 से 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3 सही 2 या फिर हम इसको 2 बन जा 2 सही 1 बाय 2 या फिर 1 आवर्स ऑन 30 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट्स ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ए कार रनिंग 64 किलोमीटर 5 आवर्स टू कवर द जर्नी, 5 आवर्स में व्हाट स्पीड मस्ट बी ट्रेवलिंग कंप्लीट इन 8 आवर्स, यदि उसको 8 आवर्स में करनी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ओके फिर देखते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा, स्पीड हमें गिवन है 64 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारे पास है 5 आवर्स में जर्नी को पूरा करती है, तो सबसे पहले मैंने निकाला डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमारे 64 थी 5 4 जा 20 टू कैरी, 5 6 जा 30 में और 2 32 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, कहता कि ये तो डिस्टेंस है, व्हाट स्पीड क्या स्पीड की जाए कि वही जर्नी सेम डिस्टेंस को हम इतने टाइम में 8 आवर्स में कवर करें, 8 आवर्स में, तो निकालने का है दोबारा से स्पीड, स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारे पास ये दे दिया, कहता कि 80 किलोमीटर 0 से 0 तो 4 किलोमीटर पर आवर से, 4 गलत नहीं कर दिया भाई कुछ, 8 आवर्स था भाई मैंने ध्यान दिया,
320 था ओनली फॉर 8 hours, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ डिस्टेंस बाय टाइम, पहले हमें स्पीड निकाला, वो डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद जो आपको अगेन टाइम दिया है, अगेन टाइम से डिवाइड किया, स्पीड हमारी आ गई। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 25 मिनट्स, एक कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 25 मिनट्स, रन एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 75। वही बात होगी, पहले डिस्टेंस निकालना है, अब आपको स्पीड चेंज करके दे दी कि स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लेगा। पहली बात, आपके पास टाइम दे रखा है 25 मिनट्स, 25 मिनट्स को यदि मैं कहूँ टाइम को 25/60 कर देता हूँ तो वो आवर्स हो जाते हैं, वो हमारे पास आवर्स हो जाते हैं, हो गए। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर थी, टाइमिंग आपके पास 25/60, 0 से 0, 3 की टेबल 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 25/2 किलोमीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। बट ये डिस्टेंस तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यदि वो कहता 75 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो टाइम क्या लगेगा, हमें चाहिए निकालना है टाइम, और स्पीड जो न्यू स्पीड है वो दे दी 75 किलोमीटर पर आवर, 75 न्यू स्पीड। टाइम हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, आपके पास डिस्टेंस 75/2 है, आपके पास स्पीड 75 है, बाय मैथमेटिक 1, 75/2 मल्टीप्लाई ये चेंज होके 1/75 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 hours, 1/2 hours को यदि 1/2 hours है, hours है, और इसको हमें मिनट बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 60, 2 3 जा 0, तो मैं कहूँगा 30 मिनट्स, कितना बोलूँगा 30 मिनट्स, तो हमारे पास बी ऑप्शन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर्स एंड 45 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। मैंने एवरेज स्पीड में एक बात बताई थी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, परंतु हमें टोटल डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, परंतु यहां पे इसने बोला कि वो कहता है कि 30 किलोमीटर पर आवर को 6 आवर्स में, तो मैं कहूंगा फर्स्ट D1 डिस्टेंस कहता है 30 किलोमीटर पर आवर से वो 6 आवर्स में जाता है तो 180 किलोमीटर जाता है। फिर कहता है इन 45 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स, तो जो सेकेंड डिस्टेंस देता है 45 किलोमीटर इन 4 hours, 4 5 20, 2 carry 4 4 16 18, 180 किलोमीटर। मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितने किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम एक बार 6 hours लेता है, एक बार 4 hours, तो 6 + 4 10 hours, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 0 से 0, तो हमारे पास आ गया 36
किलोमीटर पर हावर, 36 किलोमीटर पर हावर, तो ये हमारी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप स्कूल 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक्स फ्रॉम हिज स्कूल टू हाउस टू स्कूल एंड कम बैक, पहले वो घर से स्कूल पे गया और फिर स्कूल से वापस आ गया, इन टोटल 3 से ही 1/2, 3 hours एंड 3.5 hours, 3 hours या 30 मिनट बोल सकते हो। फाइंड द एवरेज स्पीड, भाई हमें तो एवरेज स्पीड आते ही हमें पता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, वो 7 किलोमीटर तो गया और 7 किलोमीटर वापस आया, टाइमिंग है 3 से ही 1/2 है, तो 3 से ही 1/2 का 3 2 6 और 1 7/2 बोल देंगे, तो ये आ गया टोटल टाइमिंग आपका 7 7 14 14 7 by 2, मैं लिखूंगा 13 7 multiply by 2 upper 7 2 2 4 किलोमीटर, कितना है स्कूल से घर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर ए डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर इन 9 hours, हाउ मच परसेंटेज विल बी द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज टू कवर द डिस्टेंस इन 6 hours, पहली बात तो उसने क्या उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज की जाएगी। ओके, स्पीड देखते हैं कितनी इंक्रीज की जाएगी, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने मैंने निकाला डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, कहता है एक कार 70 किलोमीटर पर आवर से जाती है और 9 hours में, 70 किलोमीटर पर आवर से 9 hour में 630 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, वही कार की स्पीड में कितना इंक्रीज किया जाए कि वही वो 6 hours में उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे, तो सेम डिस्टेंस को हमें न्यू स्पीड निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस तो दे रखा था ये और वही कहता है कि 6 hours में कवर कर जाए, तो 6 पे 6 बन जाए 6 0 होता, 3 और नहीं चला, 6 5 जा 30, कहना है 105 किलोमीटर पर आवर, पहले हमें जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, न्यू स्पीड आ गई ये, इंक्रीज कितनी हुई, इंक्रीज न्यू स्पीड माइनस ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड आई 105 माइनस 70 बराबर 35 किलोमीटर पर आवर, इतनी इंक्रीज हुई, फिर कहता है परसेंटेज निकालो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, अरे भाई इंक्रीज परसेंटेज निकालने का, जितनी इंक्रीज हुई जैसे प्रॉफिट होता था बाय जो स्टार्टिंग में जितनी थी स्टार्टिंग में 70 थी मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज में 35 टू जा 70 टू पे 50, कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, 50% इंक्रीज हुई, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन गोज टू हिज ऑफिस टू स्पीड ऑफ 30, एक व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, किस स्पीड से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, एंड रिटर्न टू स्पीड वापस आता है 80 किलोमीटर से, फाइंड द एवरेज, एक बात बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि यहां से यहां तक मैंने कहा था सेम डिस्टेंस, तो कोई व्यक्ति जाता है एक्स किलोमीटर पर आवर से वापिस आता है वाई किलोमीटर पर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर्मूला बता दें मैंने 2xy by x plus y,
कोई व्यक्ति किससे जा रहा है, 60 किलोमीटर से तो जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 60, 80 किलोमीटर से वापस आ रहा है, 60 प्लस में 80, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 बाय ये ऐड कर दिया 140, 0 से 0, 2 पे 7 बाय 7, अब आपने डिवाइड करना भी आता होगा, 6 यहां से 0 यहां से 7, 8 जा 56, तो 4 बाय 7, 68 सही, 4 बाय 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हुए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू बैक एंड 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। वही सेम पॉसिबिलिटी है भाई, कोई बच्चा यहां से गया यहां तक, वो जाता है स्टार्टिंग में जाता है 10 किलोमीटर, वापिस आता है 15 किलोमीटर पर आवर से, ये वापिस आने का है, ये जाने का, स्कूल गया बॉय स्कूल गया तो 10 किलोमीटर पर आवर से, वापिस आया तो 15 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी एवरेज स्पीड हमें एवरेज स्पीड ऑफ फॉर्मूला 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, तो 2 का 2 था मल्टीप्लाई में कितना था वो 10 तो गया, 15 वापिस आया, डिवाइड बाय 10 प्लस में 15, तो कहने का मतलब मेरा था 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 बाय में 25, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, नॉर्मल है 12 किलोमीटर पर आवर। दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना 2 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 15 बाय में 10 प्लस में 15, तो आपका 2 का 2 था मल्टीप्लाई में 10 था मल्टीप्लाई में 15 था, 10 और 10 15 25 हो गया, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ए कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, कहता है कि दो सिटीज का हाफ डिस्टेंस तो करती है 40 किलोमीटर से, यहां से यहां तक का प्रोसीजर दे दिया मैंने, यहां से यहां तक का ये इसका हाफ ले लिया कि ए से बी और बी से सी, यहां यदि ये एक्स किलोमीटर है तो ये भी इतना जो पेंडिंग है वो भी एक्स किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस। कहता फर्स्ट हाफ तो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट जाता है 60 किलोमीटर, यहां से यहां तक गया 40 किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां तक गया 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज। अरे एवरेज स्पीड निकालनी आ जाए तो फॉर्मूला 2xy by x plus y, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आना ही आना है, 40 मल्टीप्लाई 60 by 40 प्लस 60, 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 by में 100, 0 से 0, 0 से 0, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 ए कार कवर द डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन फर्स्ट पार्ट्स एट द स्पीड ऑफ दिस, मतलब कहता है जो 100 किलोमीटर तो जाता है ना वो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर कहता है 160 जाता है किलोमीटर, वो जाता है 160 80 किलोमीटर पर आवर से, फिर जाता है 200 किलोमीटर जाता है 75 किलोमीटर पर आवर। ओके तीन पार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड ऑफ फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो यह आ गया आपका 06
460 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है, पहला टाइम, टाइम हमारा टी वन, डिस्टेंस बाय स्पीड, 100 किलोमीटर गया 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 टू 100 टू आवर्स। दूसरा टाइम कहता है 160 किलोमीटर गया 80 किलोमीटर पर आवर से, टू आवर्स। थर्ड कहता है 200 किलोमीटर गया 75 से, 25 थ्री जा 75, 25 एट जा, ये आ गया 8/3 आवर्स। तो अब आपने टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, मैंने कहने का 2 प्लस में 8/3 by 1 ओवरऑल कैल्शियम कितना, 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 का आंसर 8, 6 और 6 12, 12 और 8 20 by 3 आवर्स। अब हमें निकालना था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 460, टोटल टाइम 20/3 चेंज होगी अपर 0 से 0 2 की टेबल में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ गया। क्या है ये एवरेज स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर 69 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। A man goes his office at a speed of 30 km per hour, 30 km per hour, and returns to back in 40 km per hour. If time taken by him in 35 minutes, find the distance. Find the distance. Find the distance. कहता है जो अपने ऑफिस की तरफ जाता है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है। एक बात और, लेट द डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया, वो अपने ऑफिस की तरफ गया 30 किलोमीटर, स्पीड जो डिस्टेंस बाय में स्पीड, टाइम आ गया, फिर वो वापस आया 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर डिस्टेंस तो सेम था बाय 40, टोटल टाइम लिया उसने 35 मिनट, मिनट के मैंने घंटे बना दिए। ओके, मैंने ओवरऑल का एलसीएम ले लिया, इक्वल का साइन हो और एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम ड्रॉप हो जाता, छूट जाता है, 30 का 40 का 60 का एलसीएम लेने का अपने अपना नजरिया है, 30, 40, 60 वही 2 पे 15, 20 और 30, फिर 2 पे 15 सेम था 10, 15, फिर 3 पे 3, 5 जा 15, फिर 2 पे 15 का 15, 2, 5 जा 10, 15, फिर 3 पे 3, 5 जा 15, 5, 3, 5 जा 15, फिर 5 पे 1, 1, 1, 5, 3 जा 15, 15, 2 जा 30, 30, 2 जा 60, 60, 2 जा 120, ऐसे लेना है। 0 से 0, 3, 4 जा, तो 4 का 4x, 40, 3 जा 120, तो 3x, इक्वल का साइन 60, 2 जा 120, तो 35, 2 जा 70। मैंने क्या क्या बोला था, एलसीएम को आप ड्रॉप कर दोगे तो 3x और 4x, 7x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70/7, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया हमारा 10 किलोमीटर। बिल्कुल इजी, पर हमेशा है ना कंसेप्ट के वे में क्वेश्चन करें, जो कहते हैं भाई शॉर्टकट, देखो बच्चा है छोटा, सैनिक स्कूल का बच्चा तैयारी कर रहा है, वो इतना छोटा शॉर्टकट्स में नहीं जा सकता, शॉर्टकट्स में वो कहीं ना कहीं बच्चा भूल जाएगा, और जब उसको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया ना, जिसको बेस कंसेप्ट क्लियर होगा वो मिनट लगाएगा, फिर बार बार मैथ एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आएगी, जितनी बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा उतना उसके क्वेश्चंस उसके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। 17 क्वेश्चन, ए बॉयज गोज हिज स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, किस स्पीड से जाता है 4 किलोमीटर से, रीच 9 मिनट लेट, कितने मिनट लेट 9 मिनट, नेक्स्ट डे ही गोज द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, शी रीच 3 मिनट लेट, ओके द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड दिस, लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस लिया मैंने x, अब ये बताइए जो स्पीड कम से चलेगा वो टाइम ज्यादा रहेगा, तो स्पीड कम से किस कौन जा रहा है 4 किलोमीटर, तो मैंने लिखा डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम माइनस दूसरा, फिर डिफरेंस वो जाता दूसरा जाता 5 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस तो सेम ही था 5, अब तो दोनों का डिफरेंस
दोनों का डिफरेंस कि वो एक वर्किंग पे लेट जा रहा है, दूसरा फिर वर्किंग पे। एक आपके पास 9 मिनट ले रहा था, दूसरा हमारे पास 3 मिनट्स लेट ले रहा है। तो हमारा 9 माइनस 3 मिनट थी, मिनट को घंटे बनाने हैं तो 60 से डिवाइड, x बाय 4 माइनस x बाय 5 इक्वल टू 9 में से 36 बाय 60 10 आ गया। मैं लिखूं x बाय 4 माइनस x बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 10, ओवरऑल कैल्शियम 10, 10 नहीं 20, सेम ऐसे ही निकालोगे। 4 5 जा 20 तो 5x, 5 4 जा 4x, 10 2 जा 20 तो 2, 5x एलसीएम मैंने बोला इक्वल का साइन है, ओवरऑल एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ड्रॉप हो जाता है, 5x में से 4x, x आपका 2, तो आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर हावर, तो आपका डिस्टेंस रहेगा 2 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दीपक वॉक्स 3 किलोमीटर, दीपक वॉक 3 किलोमीटर पर आवर, रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट, कितने मिनट लेट गया, 6 मिनट। ही वॉक 4 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच बिफोर, पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट्स जूल टाइम से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल टू होम या होम टू स्कूल, लेट द डिस्टेंस, वही सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस लिया मैंने x किलोमीटर, जो कम स्पीड से जाएगा वो टाइम ज्यादा लेगा, यहां पे स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड मल्टीप्लाई x, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू। अब एक बात आओ, यहां पे मेन पॉइंट्स क्वेश्चन में क्या है, पहले वो पर्सन 6 मिनट लेट है, माइनस डिफरेंस करना था, परंतु बिफोर पहले पहुंच गया, परंतु वो तो माइनस में, तो पहले उसके पास उससे में बच गया बिफोर, तो माइनस का 4, तो मैं कहूंगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 10 मिनट, 10 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, मिनट के घंटे बनाऊंगा तो डिवाइड बाई 60, 0 से 0, तो हमारे पास 3 था 4 था और 6 का एलसीएम आ गया 12, निकालना चाहो निकाल सकते हो, 3 सेम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 पे 3 सेम, 1 3, फिर 3 पे 1 1 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 4 जा 12 तो 4x, 4 3 जा 3x, 6 2 जा 2, एलसीएम मैंने बोला था इक्वल का साइन है तो एलसीएम ड्रॉप फिनिश, 4x माइनस 3x, x इक्वल टू 2, 2 किलोमीटर पर हावर्स, तो हमारे पास वर्किंग हो जाएगी 2 किलोमीटर पर हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर 300 किलोमीटर द कांस्टेंट स्पीड, इफ स्पीड वाज 10 किलोमीटर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस टू ट्रेवल द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। आपने पता है कि वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, स्पीड यदि नॉर्मल स्पीड से चल रही है उसकी फास्ट कर देंगे तो वो कम समय लेगी, तो पहले तो वो नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, माइनस कर दिया जो उसने स्पीड बढ़ा दी, उसकी स्पीड कितनी बढ़ाई 10 किलोमीटर पर आवर, इतना समय उसने 1 आवर लेस ले लिया, उससे 1 आवर लेस ले लिया, नॉर्मल पॉइंट्स ओवरऑल का हमने फिर वही सेम सिस्टम एलसीएम लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, एक्स एक्स कैंसिल, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 एक्स प्लस 3000, माइनस का साइन था, साइन हमारा माइनस का था, एक्स की 300 के साथ 300 एक्स, 1 बाय 1, माइनस का प्लस का कैंसल, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया,
एक्स इंटू एक्स प्लस टेन इक्वल टू 3000, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ये 3000 उस साइड प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का, यदि इक्वल के साइन से कोई पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, साइड चेंज करते हैं तो प्लस की है तो माइनस हो जाए, तो माइनस की तो प्लस की। अब याद रखिए इसके हमेशा हम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स स्क्वायर था प्लस का 10 ऑफ एक्स था माइनस का 3000, यहां से 3000 के ऐसे फैक्टर करोगे कि उनकी मल्टीप्लाई तो 3000 आए और उनका सम या डिफरेंस वो 10 आए। वैसे तो नॉर्मल है 60 और 50, फिर भी कंफर्म होना चाहिए 3000 को 2 से डिवाइड किया 1500, फिर 2 से दिया 75, फिर 2 से दिया 375, फिर आपने 3 से दिया 125, फिर आपने 5 से दिया, फिर 5 से दिया, देखो 5 जा 25, 25 2 जा 15, अब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं ये आ रहा है आपका, और 60 में से 10 तो 50 को माइनस करो तो 10 आ रहा है आपके पास, वही चीज हो गया। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 50x माइनस का 3000 इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस का 50 कॉमन लेंगे, x प्लस का 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमेशा याद रखें ये टर्म और ये टर्म सेम होती है, यहां से मैंने x कॉमन लिया, x स्क्वायर में से x हो गया 60 का 60, यहां से और यहां से मैंने 50 कॉमन लिया, x का x माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 5 6 जा 30 60 हो गया, तो x प्लस तो आपका एक फैक्टर हो गया 16, ये आपने कॉमन लोगे तो x माइनस 15 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 60, माइनस की कभी वैल्यू नहीं होती, तो x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 50, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, दो तीन छोटे, द रेशो बिटवीन द स्पीड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, अब ए की और बी की स्पीड की रेशो 3:5 है, ठीक है भाई, फिर क्या कहता है, बी रन बी की डिस्टेंस दे दिया 4 hours में, तो मैं बी की स्पीड निकालूंगा, स्पीड्स ऑफ बी डिस्टेंस बाय टाइम, कहता है कि वो 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर 4 hour में जाता है, 4 7 28, 2 यहां से 0 यहां से, 4 5 20, तो 75 किलोमीटर पर आवर। आपको ये तो बी की तो दे दी और ए की फाइंड करनी है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5a = 3 × 75, ए की वैल्यू फाइंड में जो मल्टीप्लाई साइड लगे डिवाइड में 3 × 75 = 5, 15 × 3 = 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर।